एक सेकेंड, इनको एक बार जोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यस खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ और आप लोग यहाँ जो क्लास में वो तो राइट कर लीजिए, बाकी अदरवाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर के बातें कर रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट था हमारी बुक में स्पेसिफिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस से रिलेटेड हमने कल जान भी लिया था, प्लस इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीन्स क्या होता है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर करने के बाद में जो सेकंड पॉइंट है इस यूनिट का स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि स्पेसिफिकेशन से वो डिसीजन कौन कौन से होते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक सिंपल सी बात कही गई है। एक सेकेंड, कि समाज के जो जितने भी लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या योगदान होता है, क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि पावर है हमारे पास। यस आप लोग अपनी बुक को भी ओपन रखिए और नोट्स निकाल लीजिए, नोट्स वाली जो नोटबुक है उसमें आप राइट भी करते रहिए कंटिन्यू। हाँ रुको बेटा एक बार, देखो बुक में आपके सामने एक बात कही गई थी, जो टॉपिक है हमारा स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यही है ना, इसके ठीक नीचे नीचे जो पेज नंबर 4 है इसके ठीक सामने दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, मतलब कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर में जो बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने दिया गया था वो कौन सा है इसमें, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल आपके सामने है। इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंपोर्टेंसी पार्लियामेंट्स गेट्स टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज, मतलब यहाँ पे कि जो लॉज होते हैं, एक सिंपल सी चीज है कि हमें क्या दिए गए हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, हमें फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए इन राइट्स के आधार पे हमारे पास क्या है, जो राइट्स दिए गए ये राइट्स क्या है हमारे पावर्स है, ये राइट्स तो क्या है पावर्स है, लेकिन इन पावर्स को हमारे पास जो अप्लाई किया गया है इनका एक ही मकसद नहीं है, यदि पावर है तो पावर के ऊपर भी क्या है लिमिटेड, इन पावर्स को हम लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, यदि हमें पावर्स दिए गए हैं तो पावर्स के ऊपर क्या होंगे हमारे लिमिटेशंस होंगे, पर पावर के ऊपर लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कल भी मैंने आपको बताया था इस क्लास में यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है फंडामेंटल राइट है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। यदि ये नाइट का मोड है और नाइट के मोड में यदि एग्जाम चल रही है और एग्जाम सेंटर में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है और उधर डीजे बज रहा है तो वो उनका म्यूजिक बजाना वो भी उनका क्या है फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन उस राइट्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम उससे क्या हो रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनके लिमिटेशंस को क्या किया जाएगा कंट्रोल में किया जाएगा,
उनको बताया जाएगा कि आप अपने पावर्स को इस वक्त यहाँ यूज नहीं कर सकते, आपके लिए ये इलीगल है। तो जो पावर्स हमें दिए जाते हैं वो होते हैं सारे के सारे लॉज पे डिपेंड। लॉज मतलब कानून, और कानून की जो व्याख्या करता है वो कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वही क्या करेगा, उस देश के लॉज की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन ये लॉज बनाए कहां जाते हैं? कहां बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में। इसका एक एग्जांपल स्पेसिफिकेशंस में बताया गया कि पार्लियामेंट होगी हमारी, उस पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन बेस के आधार पे पार्लियामेंट के जो मेंबर होंगे उन मेंबर को ही क्या किया जाता है, उन मेंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट करके ही हम भेजते हैं। हमने भेजा कहां? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या बनाते हैं? वो लॉज बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज वो हम पे अप्लाई करते हैं, करते कि नहीं करते। लेकिन मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में जो मोनार्की द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? वहां राजा का बेटा राजा ही होगा, तो वहां मतलब कि वहां जो राजा अप्लाई करेगा वो ही लागू होगा। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट में यदि गलत भी अप्लाई हो जाता है उसको जनता स्वीकार नहीं करती। गलत यदि पार्लियामेंट में जो कानून लागू होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है? ऑब्जेक्शन होता है। तो कैसे कैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, स्पेसिफिकेशंस पावर मेकिंग में बताया गया कि कैसे कैसे डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, कौन बनाएगा, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से उनका सॉल्यूशन होगा, वो सारा का सारा मतलब इसमें बताया गया है स्पेसिफिकेशंस पावर मेकिंग। किस तरीके, कौन तो बनाएगा, किसके अंडर में होंगे, क्या क्या डिसाइड किया जाएगा, क्या क्या चॉइस होंगी, कैसे कैसे जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे जो लाइन हमें यही कही गई थी कि पार्लियामेंट्स गेट्स टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर माइनर बिफोर आइडेंटिफाई बाय द लॉज इन एनी गिवन सोसाइटी इज यू हैव टू आइडेंटिटीज। ये देखो कि हम जो पार्लियामेंट में लॉज बनाते हैं वो एक जनता सोसाइटी के आधार पे बनाए जाते हैं कि सोसाइटी में किस चीज की आवश्यकता होती है उस आधार पे ही बनाए जाए। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है, वो मैं आपको बोर्ड पे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड एक बार मैं आपको नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। हेडिंग बना लीजिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। स्पेसिफिकेशन डिसीजन मेकिंग पावर, बहुत शॉर्ट है। स्टोरी में आपको बता दूंगा कि क्या ये स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है, बाकी जो कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा उससे रिलेटेड आप अदरवाइज जो भी डिटेल्स में राइट करना चाहो क्वेश्चंस में वो कर सकते हैं। स्टोरी यदि आपको समझ में आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, बॉडी ऑफ, ये कल थोड़ी बता दिया, अरे सर लग कैसे रहा है, फंडामेंटल बैकग्राउंड वॉइस बंद कीजिए। कविता ऑनलाइन क्लासेस में, कविता लगता है मोबाइल को ऑन करके कहीं ना कहीं चला गया, नहीं होता है ज्यादातर मोस्टली प्रिंसिपल। कौन कौन से है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने आते हैं व्हाट, क्या क्या होंगे, दूसरा हाउ,
कैसे देन कुड डिसाइड टू रूल्स, और ये डायरेक्ट डिपेंड होते हैं एलोकेशन ऑफ पावर. People should take Parliament has the power and authority to enact laws authority is also provided by the constitution. यहां तक तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या है. देखो हेडिंग कौन सी है हमारी, बस इसमें जो पूरा पैराग्राफ आपको दिया गया है बुक्स के अकॉर्डिंग, वो इतने से शॉर्ट नोट में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है आखिर ये है क्या. स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कैसे कैसे डिसीजन, मतलब कि आप कैसे कैसे डिसीजन ले, किस चीज के लिए, पावर्स को बनाने के लिए आप कैसे कैसे डिसीजंस को क्रिएट कर सकते हो, वो कि स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं. इस आधार पर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल. भाई हम किसी भी देश का यदि क्या बनाना है, पावर, किसी भी कंट्री का यदि हमें मेकिंग पावर बनाना है रिलेटेड उनसे नियमों से, कि उनके लोन से रिलेटेड यदि हमें उस देश का क्या बनाना है, कुछ पावर्स बनाना है. आज की बात करें, एट प्रेजेंट की सोचिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और आज, क्या आज हमें इसमें संशोधन करने की जरूरत है. यदि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता 100% रिजिड, तो ये देश कभी भी डेवलप नहीं होता. क्या 100% रिजिड किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं है. 100% रिजिड अमेरिका में कैसा है, कल मैंने बताया था 4 types के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये तो बताया था. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिजिड अमेरिका का भी है, जापान का भी है, रूस का भी है. लेकिन इनमें क्या है कि रिजिड का मतलब कि इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कुछ ही संशोधन होते हैं, बहुत कम संशोधन होते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज्यादा रिजिड, अब तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बने थे तब तक ओनली 8 ही अमेंडमेंट हुए. कम से कम ये मान लीजिए कि 122 साल के अकॉर्डिंग में 122 साल हो चुके हैं लेकिन उसमें भी ओनली 8 अमेंडमेंट हुए, जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 100 अबाउ हो चुके हैं. सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल की बात करें, रिजिड तो कहां का होगा, ऑस्ट्रेलिया. लेकिन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल की बात करें तो वो कौन सा होगा, नहीं, ब्रिटेन का. और ब्रिटेन का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, अनरिटन, मतलब कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था.
ओरल था, तो ओरल में क्या है कि वहां भी अमेंडमेंट होते हैं, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन वहां पे वो लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्या आज यदि रिजिड होता, जैसे ऑस्ट्रेलिया का काफी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कैसा है, तीनों रिजिड भी है, कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमने क्या किया है कॉपी किया है, ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनमें रिजिड है वो चेंज नहीं होते तो नहीं क्लियर हो सकता। जैसे एससी एसटी की बात आई थी तो काफी रिजिड किया गया, जितने भी इनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे वो काफी रिजिड है। इसी तरीके से हमारे थ्री टाइप्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें थ्री टाइप्स मैच होते हैं, फ्लेक्सिबल है, रिटन है और रिजिड। कौन सा नहीं है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन है, बाकी तीनों है। अमेरिका का रिटन भी है तो रिजिड भी है, कभी ये सोचो कि रिटन है, फ्लेक्सिबल भी है, अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। तो अब क्या रिजिड की बात आई तो क्या अब बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंजमेंट की जरूरत है, जैसे किसी देश का स्टेट का नेम चेंज करना हो तो कर सकते हैं, कर सकते हैं स्टेट का नेम, स्टेट का नेम यदि पहले क्या था यूपी में था ना, कौन सा प्रयागराज कर दिया गया, इलाहाबाद से अल्लाहाबाद, अकबर ने बसाया था, ये हिस्ट्री में आती है ये चीजें, इलाहाबाद पहले इलाहाबाद नहीं था अल्लाहाबाद, अकबर ने नाम दिया था इसको, फिर इलाहाबाद अब प्रयागराज, प्रयागराज ही है ना, नहीं पता प्रयागराज, इसको क्या कर दिया गया चेंज, तो स्टेट नेम चेंज हो रही, इसका मतलब आर्टिकल नंबर फर्स्ट, आर्टिकल नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल नंबर फर्स्ट, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है, क्राइम्स हो रहे हैं, बात कहां आ रही है, स्पेसिफिकेशन डिसीजन मेकिंग पावर की, आप कैसे कैसे पावर्स को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आज के समय में एक पावर की ज्यादा जरूरत है। क्राइम कैसे हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन चुका है, डिजिटल इंडिया मतलब आपके सामने क्या है, आपको डिसीजन लेना है, आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि जितने क्राइम हो रहे हैं आज के समय में वो सारे के सारे क्राइम कैसे, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, कौन से लेवल को देखा जाएगा, लेवल होगा कि जिस देश में आप जो काम कर रहे हो इस देश में एट प्रेजेंट कैसी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उन प्रॉब्लम्स के आधार पे आप कैसा डिसीजन लोगे। जैसे एग्जांपल, क्राइम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम हो रहे हैं, वैसे आजकल ऑनलाइन लूट लिया जाता है, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है कि यदि मैं किसी सॉन्ग को मैं अपनी आईडी पे यदि अप्लाई करता हूं तो सामने वाला मुझे क्या कर सकता है, FIR के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। यदि मैंने आपकी मूवी का एक सॉन्ग मैंने अपनी आईडी पे, अपनी यूट्यूब आईडी पे मैंने अपलोड कर दिया तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, कॉपीराइट केस हो जाए, कॉपीराइट केस, तो वो कैसा है, डिजिटल है लेकिन साइबर क्राइम, मतलब आने वाले समय में नए नए प्लान्स को जो डिफाइन करेगा वो पार्लियामेंट ही करेगा, लेवल को देखा जाएगा उसे समूह में, उस समूह में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनके लिए उनको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेगा, डिसीजन होगा लोग से, जो मैंने आपको कल बताया था कि एश्योरेंस किस तरीके से होगा, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं एश्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन की सबको मानना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि क्राइम्स की बात करें तो पार्टिकुलर एक लोकेशन में फिक्स कर दिया जाएगा कि नहीं यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में ही साइबर क्राइम्स के लोगों के लिए ये कानून बनता है, क्या अकेले के लिए बने, नहीं सबके लिए बनेगा, समूह में जो भी है उन सबके लिए ही वो कानून बनेगा। यहां तक समझ में आया, बात करें तो किस बात की हो रही है, यहां इस देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, वो किताब कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ एक कानून की बुक, कानून का मतलब लॉज, यही है, कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि मौलिक सिद्धांत है या फिर एक बुनियादी स्ट्रक्चर, इसे हम मौलिक भी कह सकते हैं, मूल, मौलिक या फिर बुनियादी, हिंदी में अलग अलग नेम हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ब्यूटीफुल, सुंदर है, खूबसूरत भी है, हिंदी का कितना हुआ है, टू हुआ है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं किस चीज के, कॉन्स्टिट्यूशंस की क्या क्या होनी चाहिए, देखो क्या क्या आ सकते हैं आपके सामने जो प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके
क्या तो वो कानून होंगे, क्या सिद्धांत होगा, इनके क्या क्या सिद्धांत हैं, कैसे हैं भाई हमें नहीं पता, क्या होंगे, क्या बना रहे हो, पावर्स किस चीज के, लो के पावर बना रहे हो, क्या है ये आखिर, समझ में नहीं आता, पहले सी ए आया था किसी के समझ में, क्या सी ए है, इसके अलावा कैसे होगा, कौन डिसाइड करेगा, इसे बनाएगा कौन, माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या तो है ये, व्हाट क्या है ये, क्या कानून है, कैसे होगा, कौन बनाएगा इसे, बनाएगा कौन, और क्या क्या इसके अंदर रूल्स होंगे जो हमारे ऊपर लागू होंगे, यही तो बात रखी गई थी कि जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि साइबर क्राइम हो रहा है, क्या नहीं है साइबर क्राइम, किसान बिल भी आया था, ये नई चीज है, नया कानून बन रहा है, उनके सामने काफी प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, और वो लोगों के आधार पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन यदि वो गलत लेते हैं तो हम उनको बर्खास्त भी करवा सकते हैं, तो ये जो फंडामेंटल्स में जो फोर स्टेप्स आपके सामने आपको देखने को मिले, बुक भी यही कहते हैं, अब आगे क्या कहते हैं कि जो एलोकेशन ऑफ पावर की बात करें तो ये एलोकेशन पावर हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस बात की देता है, डायरेक्ट पार्लियामेंट, देखो क्या है, पीपल शुड टेक डिसीजंस, कि लोगों के लिए क्या लिए जाते हैं डिसीजंस, कैसे कैसे ड्रॉइंग में समझना, ये क्या है कुछ अच्छे और ये क्या है कुछ बुरे, दोनों है, देखो कि कुछ को तो वो डिसीजन अच्छे लगते हैं, कुछ को वो बुरे लगते हैं, लेकिन इन दोनों को यदि वो अप्लाई हो जाते हैं, इन दोनों को मानना पड़ेगा, वो इन दोनों को वो डिसीजन यदि लिए जाते हैं तो वो उनको मानना पड़ेगा, जैसे किसान बिल की बात करें तो किसान बिल चल रहा था, फार्मर बिल की बात करें तो ये चल रहा था, इसमें क्या हुआ था, कुछ लोग तो इससे एग्री है और कुछ डिसएग्री, मतलब कि कुछ मानने वाले हैं और कुछ नहीं मानने वाले, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट देखा जाएगा भाई, कुछ मानने वाले नहीं है, लेकिन क्लाइमेक्स क्या है, इस देश में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई लोग नहीं मान रहे, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है पावर, किस चीज का, कानून का, आप नया बना रहे हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, पार्लियामेंट बेस पे कर सकते हो, ऐसे तो नहीं कि लोग बना दिए, जो भी नया नया कानून बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट बेस पे बनाया जाएगा, और पार्लियामेंट में आपको पता है आपके द्वारा, लोगों के द्वारा ही, जो लोग होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया हुआ एक पर्सन जाता है, जिसे चुना जाता है वही व्यक्ति कहा जाता है पार्लियामेंट, हम ही भेजते हैं उनको, भेजा किसी तो ये खुश है इसने भेजा, वो दुखी है इसने भेजा, यही लोग इन्होंने भेजा था पार्लियामेंट में, इनसे रिलेटेड क्या बनेगा, एक कानून बनेगा, और वो कानून यहाँ पे पार्लियामेंट ही उसे बना सकती है, पार्लियामेंट ही उसे रद्द कर सकता है, ना तो हम उसे रद्द कर सकते हैं और ना ही कोई और रद्द कर सकता है, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होंगे, जिन मेंबर कौन से, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, कल मैंने बताया कि जो हम एश्योरेंस और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, कि जो कोऑर्डिनेशन की बात करें, लेवल की बात करें, समन्वय की बात करें, तो वहां पे 18 वर्ष के ही स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स है वो ही इलेक्शन वोटिंग कर सकते हैं, अब वोटिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे, किसी अपने लीडर को चुनेंगे, और लीडर जब चुन किया जाता है सारा काम उसी के ऊपर होता है, मतलब ये हमारा घर, हमारा अच्छा बुरा किसके अंदर में होता है, हमारे पापा के अंदर, हमें क्या है ट्रस्ट है, पापा के ऊपर ट्रस्ट है, तो जिस लीडर को हमने चुन के आगे भेजा तो उसके ऊपर क्या होता है ट्रस्ट, क्या श्योर है कि ये सही निकल जाएगा, वो करप्ट भी निकल सकता है, और करप्ट निकल के वो अलग अलग डिसीजन भी बना सकता है, अलग अलग डिसीजन का मतलब कि आपको ये कह दिया कि इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं रह सकते, तो क्या वो सही है, नहीं, लेकिन वो यदि ऐसे नियम बनाएगा तो उसके लिए सोल्यूशन का है, जनता के पास सोल्यूशन, और जनता किस आधार पे करेगी, जनता करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार, क्योंकि इस देश में जो कानून है उस कानून की किताब में सारी बातें लिखी हुई है, यदि कोई भी लीडर है जिसको आप चुनते हो, यदि वो गलत डिसीजंस के अकॉर्डिंग वो अपना एक पावर यूज करता है,
तो आपको वो राइट्स है, कैसे राइट्स है, फंडामेंटल्स राइट्स दिए गए हैं आपको, उन राइट्स के आधार पे आप क्या कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। लेकिन मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। सोवियत संघ रूस की बात करें तो सॉरी सोवियत संघ की जो पुराने समय की बात थी उसमें क्या था कि मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा नहीं है, राजा ने जो कानून जो पावर यूज की है वो जनता को मानना पड़ा। क्योंकि हमारी तो डेमोक्रेसी है, जैसा कि चाइना में होता है, साउथ कोरिया में होता है, चाइना साउथ कोरिया है, तो वहां पे कैसा है, वहां पे जो राजा चाहेगा वो ही होगी। अब जो कल का डे था वो कैसा डे था, कल का ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार, मानव के क्या क्या अधिकार हमें अधिकार दिए गए। लेकिन यहाँ पे साउथ कोरिया और चाइना में मानवाधिकार नहीं है, वहां पे वहां का जो राजा जैसा कानून उस जनता के ऊपर अप्लाई करेगा उनको मानना ही पड़ेगा, उनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है, उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे यदि उस नेता ने हमारे ऊपर कानून लागू भी कर दिया, यदि वो गलत है, जैसे सपोज दैट आपको कह दिया कि आपको वेस्टर्न कल्चर के ही कॉस्ट्यूम्स को यूज करना पड़ेगा, गलत तो जरूरी थोड़ी, ऐसा कानून यदि इस कानून को कहाँ प्रस्ताव रखा जाएगा, वही पार्लियामेंट में। मतलब पार्लियामेंट के पास क्या होता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर अथॉरिटी टू एनेक्ट लॉज, मतलब कि पार्लियामेंट के पास ही क्या है, अथॉरिटी है किस चीज की, कानून को बनाने की। जो कानून बनाए जाते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके पास होगा, ओनली पार्लियामेंट के पास होगा। पार्लियामेंट ही कानून को बना सकती है और उसको हटा भी सकती है, हटाने का और जोड़ने का काम किसका होगा, पार्लियामेंट का। लेकिन इसकी सुरक्षा करने का, प्रोटेक्शन, जो कानून बनाए जाते हैं उनका प्रोटेक्शन हब कौन सा माना जाता है, जुडिशरी, न्यायालय, न्यायालय होगा, कोर्ट होगा। हम क्या करते हैं, कोर्ट के थ्रू करते हैं कार्रवाई के ऊपर, कोर्ट पे भी कोर्ट क्या करता है, हमें इन चीजों की डेफिनेशन को क्लियर करता है कि कोर्ट इसकी सुरक्षा करता है, जितने पार्लियामेंट में जो कानून था वो लागू करता है, ठीक हो गया। लेकिन इसकी सुरक्षा कौन करता है, कोर्ट करता है। यदि हम भूल भी जाते तो हमें कोर्ट ही इस चीज की व्याख्या देता है कि आप इस कानून का उल्लंघन कर रहे हो, उनको सारा पता होता है क्योंकि वो सुरक्षा करते हैं उस कानून की। यहां तक कोई डाउट, डिसीजन कौन से बेस पे लिए जाते हैं, लोगों के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, जिनमें कुछ हैप्पी भी होते हैं कुछ सैड भी होते हैं। दिस अथॉरिटी इज आल्सो प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिंपल सी बात है कि जो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो कानून बनाए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, जो भी कानून बनाए जाएगी वो एक बुक में भी राइट किया जाता है, और वो बुक कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे ही हम आगे क्या करते हैं, नियमों को लागू करते हैं। थोड़ा बहुत भी यदि डाउट हो तो पूछ लिया करो और दूसरे मेथड यूज कर लेंगे। इसी से रिलेटेड यदि इसके समक की बात की जाए तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी, इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। ये सारा का सारा सोसाइटी के बेस के आधार पे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाए जाते हैं वो एक सोसाइटी को मद्देनजर रखते ही बनाए हैं। समझ में आ रहा है, यस। चलिए तो मैं इससे रिलेटेड देखो कि आपके सामने यदि स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर डिसीजंस की बात आ जाए तो आप इसको वन पेज में भी आसानी से राइट कर सकते हो। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कैसे कैसे होंगे, क्या कानून है इससे रिलेटेड आप बता सकते हो, और क्या होंगे इसके अंदर, डिसाइड कौन करेगा और इसमें क्या क्या कौन कौन से रूल्स होंगे, जो नया कानून बनता उसकी बात हो रही है, ना कि पूरा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मेकिंग पावर, कौन सा आप पावर को, मतलब कौन से आप लॉज को क्रिएट कर रहे हो। तो इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है, एलोकेशंस की बात करें तो एलोकेशंस मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट किसके पास होता है कानून बनाने का, पार्लियामेंट के पास होता है। कौन से बेस पे करेंगे वो डिसीजन, लोगों के बेस पे करेंगे, लोगों के आधार पे ही उस चीज को छोड़ा जाएगा। जो लोग इलेक्ट करके आते हैं, लोग जिसे इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, यदि वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो उनके ऊपर क्या हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है।
पार्लियामेंट में लोग बनाए जाते हैं और हटाए भी जाते हैं, जिसकी सेफ्टी कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, सिक्योरिटी करता है, न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा। आगे जो दिए गए हैं कि ये जो लॉज बनाए जाते हैं वो सारे के सारे किसमें ऐड किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। क्लियर? एक लाइन और है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई who has the power of man the power to man. Decision in a society decisions society it decision of the government government will be constituted एक जो सर अनम्यूट करो। आप ठीक है? यस सर। हाँ तो यहाँ किसी को दिक्कत आई है? यस शिवानी क्या है सर? इम्प्लीमेंट करेगी किसके लिए? पीपल्स। पीपल्स का है सोसाइटीज। यहाँ पे डायरेक्ट पीपल को नहीं ऐड किया गया, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। वही चीजें हैं किस तरीके से जो कानून बनाए जाते हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन होगा वो
इसका जो समअप की बात करें तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट का जो समअप आता है दिखाई नहीं दे रहा, फटाफट कर ले देखो इसमें यही चीज कही गई है कि एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो भारतीय संविधान यह स्पष्ट करता है कि अधिकतर कानून संसद ही बनाएगी, संसद का मतलब पार्लियामेंट ही बनाएगी, और संसद का गठन एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। संसद का जो गठन होगा, संसद का मतलब पार्लियामेंट का जो एक गठन किया जाएगा वो एक स्पेशल होगा। किसी समाज में कानून को कैसे, इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का क्या होता है, अधिकार। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उन कानून बनाने का अधिकार है, अधिकार देने का है तो उनको हटाने का अधिकार भी किसके पास में है, संसद के पास में है। और यहाँ पे जो सेकंड लाइन आती है पेज नंबर 5 पे, एक बार मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इलेवेंथ क्लास बुक नंबर सेकंड, डरने की आवश्यकता नहीं है, वापस से मैं ज्वाइन कर दूंगा। अभी 3 मिनट्स और हैं बेटा, वापस से ज्वाइन कर देंगे आप। यहाँ पे 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो चुके हैं आपके, 2 पॉइंट्स में यदि कोई डाउट है तो बता दीजिए। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यहां क्या बताया गया है, पावर। यदि जो पावर बनाए हैं तो उनकी क्या होगी, लिमिट्स, उनकी लिमिटेशन होगी, उनकी एक लिमिट होगी। बंद कर दो बेटा इसको, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ जो पावर बनाए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप समझोगे आसानी से समझ में आएगा, जो पावर्स बनाए गए, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि इन पावर्स की क्या होगी, लिमिट होगी। यदि आप इन पावर का गलत यूज करते हो तो आपकी लिमिटेशन, क्योंकि अकेला पावर नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन हमें, क्या अकेला फंडामेंटल राइट्स ही देते हैं क्या, उन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्या होगी, हमारी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, लिमिट भी होगी। तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे जानने से पहले हमारे पास बुक में क्या दिया गया है कि द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, इट डिसाइड हु द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। मतलब कि ये बात थी, ये वाली थी, क्या कहता है, एक सेकंड, हाँ बेटा वापस से ज्वाइन हो जाना जैसे क्लास एंड होती है। तो यहाँ पे जो बात रखी गई थी कि जो लिमिटेशंस की बात कर रहे थे हम, एक बार इनको जोड़ देते हैं, 1 मिनट का टाइम। किस, देखो संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है,
संविधान यह भी तय करता है कि सरकार को कैसे निर्मित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि डिसीजन लेने का काम भी कैसे होगा समाज में, जो डिसीजन लेने की जो पावर्स होंगे। एक बार इनको जोड़ देते हैं।